नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुर है और मेरे चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हाल ही में हमने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स अपना स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में यानी पार्ट 12 में आपको मैंने भविष्यकाल यानी फ्यूचर टेंस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दी थी कि भविष्यकाल यानी फ्यूचर टेंस क्या होता है और उसको हम अपने नॉर्मल इंग्लिश के जो सेंटेंसेज होते हैं उसमें हम कैसे यूज़ करते हैं जब हम किसी के सामने इंग्लिश में कन्वर्सेशन करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग पार्ट 13, जिसमें हम फ्यूचर टेंस को ही कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम अपना वीडियो स्टार्ट करें, कृपया करके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको प्रेस ज़रूर कीजिएगा। और मैं अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक यानी पार्ट 13, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पार्ट 13, भविष्यकाल यानी फ्यूचर टेंस। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि भविष्यकाल यानी फ्यूचर टेंस वो प्रकार उस टाइप का काल होता है या टेंस होता है जिसमें हम आगे काम करने वाले होते हैं, मतलब हमने काम किया नहीं होता या हम काम करने कर रहे नहीं होते, हमें आगे करना होता है। तो उसकी कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं होती, हम उसे कल भी कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं, एक महीने बाद भी कर सकते हैं। तो विल हम उसको हमें करना होता है, हमें आगे करना है उसे, तो ये होता है उसमें। तो अब हम यूज़ करेंगे फ्रेंड्स विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन से रिलेटेड जो सेंटेंसेस हैं जो हम अपने नॉर्मल कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में इंग्लिश लैंग्वेज में, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। भविष्यकाल यानी फ्यूचर टेंस विल हैव बीन और शैल हैव बीन। प्रभात, क्या कल तुम इस समय सो रहे होगे? तो फ्रेंड्स, ये फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट होगा विल हैव बीन और शैल हैव बीन में इस तरीके से। प्रभात, विल यू हैव बीन स्लीपिंग एट दिस टाइम टुमारो? सुधीर, नहीं, शायद मैं इस समय पढ़ रहा होऊंगा। सुधीर, नो प्रोबेबली आई शैल हैव बीन स्टडिंग एट दिस टाइम। प्रभात, और तुम्हारा भाई राजीव क्या कर रहा होगा? प्रभात, एंड व्हाट विल योर ब्रदर राजीव हैव बीन डूइंग? सुधीर, वह शिमला जाने की तैयारी कर रहा होगा। सुधीर, ही विल हैव बीन प्रिपेयरिंग टू लीव फॉर शिमला। तो फ्रेंड्स, ये था इंग्लिश स्पीकिंग पार्ट 13 में भविष्यकाल यानी फ्यूचर टेंस, जिसमें मैंने आपको विल हैव बीन और शैल हैव बीन के बारे में जानकारी दी है कि हम उसे अपने इंग्लिश के सेंटेंसेस में किस प्रकार से यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे कन्वर्सेशन में जब हम इंग्लिश में किसी से कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि मेरे इस प्रयास से आपको फ्यूचर टेंस में विल हैव बीन और शैल हैव बीन को कैसे इंग्लिश सेंटेंसेस में यूज़ किया जाएगा तो उसके बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा ताकि मैं आगे के जो भी इंग्लिश लैंग्वेज के टॉपिक्स जो मैं कवर करूं, पार्ट्स जो आगे के कवर करूं, वो इतने सिंपल और इजी वे में कर पाऊं ताकि जो आपका इंग्लिश बोलते समय जो आपको का जो कॉन्फिडेंस एकदम लो होता है वो बूस्ट हो जाए, आपकी हेजिटेशन दूर हो और आप किसी बड़े पर्सपेक्टिव में या सोसाइटी में किसी के सामने इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर पाएँ तो फ्लुएंटली कर पाएँ, मतलब आप हेजिटेट ना हो, घबराएं ना, तो आप फ्लुएंटली उससे कन्वर्सेशन इंग्लिश में कर पाएँ जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी और आपको सोसाइटी में रेस्पेक्ट मिलेगी। तो मेरा यही प्रयास है फ्रेंड्स कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाए। तो आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।